हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में मैंने इस गाउन सारे लुक को रिक्रिएट किया है। तो वीडियो में मैंने कोशिश की है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इसे बनाने के लिए जो मैंने मेन फैब्रिक लिया है, ये कॉटन सिल्क मिक्स फैब्रिक है जो कि मैंने 6 मीटर लिया हुआ है। और इसके साथ ही मैंने जो लाइनिंग ली है, ये मैंने 2.5 मीटर की ली हुई है। ये लाइनिंग मैंने कॉटन फैब्रिक ली हुई है। अभी देखिए, ये जो लाइनिंग का कपड़ा है वो विड्थ में डबल फोल्ड है पूरा कपड़ा। उसके बाद हम इसे लेंथ में फोल्ड कर लेंगे। अभी हमारी ये टोटल 4 फोल्ड हो गए हैं। फ्रंट और बैक दोनों के पार्ट एक साथ कट करेंगे। जो इसकी लेंथ आएगी वो यहाँ पे देखिए 50 इंच की आ रही है। 50 इंच की हमारी लाइनिंग की टोटल लेंथ आएगी इस गाउन की। ऊपर से बराबर करेंगे और यहाँ पे जो शोल्डर है वो मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आर्म होल के लिए हम इसमें 6.5 इंच मार्क करेंगे। आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क करें। अगर आपको जानना है तो आप अपनी साइज़ कमेंट करें, मैं आपको मेज़रमेंट बता दूँगी। एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से देखिए हम चेस्ट का चौथाई हिस्सा मार्क करेंगे। जैसे कि मैं इसे 36 चेस्ट साइज़ का बना रही हूँ, उसका जो चौथाई हिस्सा होता है वो 9 इंच होता है। 2 इंच का इसमें मार्जिन लेना है। टोटल 11 इंच मैंने लिया हुआ है इस तरह से। इसके बाद यहाँ से वेस्ट लेंथ मार्क करेंगे, वो मैं 14 इंच मार्क करूँगी। किसी भी साइज़ के लिए 14 इंच ही मार्क करेंगे। और यहाँ से वेस्ट साइज जो है वो मैं 30 का मार्क कर रही हूँ, तो उसका 1/4 7.5 इंच और 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। बाकी नीचे देखिए कपड़े को इस तरह से शेप मार्क करते हुए मार्क कर लेंगे। यहाँ पे आर्म होल का हाफ मार्क करेंगे और इसे गुलाई देंगे। 1/2 इंच अंदर से फ्रंट की आर्म होल इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम नेक मार्क करेंगे, तो नेक की विड्थ मैं इसमें 3 इंच मार्क करूँगी। अभी यहाँ पे हम फ्रंट की नेक मार्क करेंगे, तो जो फ्रंट नेक डीप होगी वो मैंने 5.5 इंच मार्क की है। बैक की नेक हम बाद में मार्क करेंगे। इसमें हम राउंड शेप देंगे, 1/2 इंच स्लोप मार्क करेंगे शोल्डर पे। इसके बाद हम इसे कट करेंगे, तो नेक को कट नहीं करेंगे अभी, बाकी पोर्सन हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से कट करने के बाद दोनों पार्ट्स अलग कर लेंगे। अभी भी ये फ्रंट वाला पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे इसकी आर्म होल हम कट कर लेंगे, नेक कट कर लेंगे, तो फ्रंट पार्ट को हटा लेंगे। अभी बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट की नेक हम मार्क करेंगे। तो बैक की जो नेक डीप है वो मैं 9 इंच मार्क करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। 9 इंच पर मार्क किया, ये 3 इंच की नेक विड्थ है। इसमें भी हम राउंड शेप देंगे इस तरह से और इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अभी हमारा लाइनिंग कट हो गया है और इन दोनों की कटिंग हम मेन फैब्रिक पे करेंगे। तो अभी हम बैक का पार्ट ले लेंगे। ध्यान रहे, बैक का पार्ट लेना है और कपड़े को विड्थ में 4 फोल्ड करके रखेंगे। तो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को विड्थ में फोल्ड करके रखा है और विड्थ में मैंने इसे 18 इंच तक 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। अभी बैक का पार्ट लेंगे, बन साइड की तरफ बन साइड रखेंगे। इस तरह से कपड़े को मैंने लेंथ में 4 फोल्ड करके रखा है और इस तरह से बिल्कुल बराबर से रखना है। और यहाँ शोल्डर से हम इसे मार्क करेंगे, नेक विड्थ मार्क करेंगे। नेक की कटिंग नहीं करनी है, बाकी इसे सेम इस तरह से मार्क कर लेना है। और इसकी जो लेंथ रखनी है वो मैं 25 इंच की रखूँगी। यहाँ से 25 इंच मार्क करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया।
यहाँ तक इसे शेप में इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम इसे कट करेंगे। लाइनिंग को हटा लेते हैं और यहाँ कपड़े को स्ट्रेट हम यहाँ तक कट कर लेंगे। अभी ऊपर से भी कपड़े को बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। इसमें से देखिए अभी एक पार्ट हम हटा लेंगे और एक पार्ट को फिर से इसी तरह से फोल्ड करके रखेंगे। ये हमारा फ्रंट का पार्ट होगा। अभी जो हमने फ्रंट पार्ट की लाइनिंग कट की है वो लेंगे और बिल्कुल बराबर से इसके ऊपर रखेंगे। और इसके बाद इसकी जो आर्म होल है वो हम मार्क करके कट कर लेंगे। तो कटिंग हमारी हो गई है। अभी देखिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को एक साथ इस तरह से फोल्ड करके रखा है। जो इसका कोना है यहाँ पे हम हल्की सी गोलाई मार्क करेंगे और कपड़े को कट करके निकाल देंगे। तो अभी कटिंग हमारी हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से खोल के रख लेते हैं सीधी साइड से और लाइनिंग को इसके ऊपर रखेंगे। बिल्कुल बराबर से रखने के बाद हम इसमें नेक के शेप में सिलाई लगा लेंगे। ठीक इसी तरह से फ्रंट का पार्ट भी हमें स्टिच करना है। नेक से खोल के रखेंगे, दूसरा पार्ट इसके ऊपर हमें रखना है इस तरह से। और इसके बाद नेक की शेप में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो नेक में मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में। कट करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे से कट्स बना लेंगे जिससे आसानी से अंदर की साइड टर्न हो जाए। बैक में भी इसी तरह से कट्स बना लेंगे। इस तरह से इसको हम टर्न कर लेंगे सीधी साइड में और इसके नेक पे हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। बैक को भी इसी तरह से हम सीधी साइड में टर्न कर लेंगे मेन फैब्रिक को और इसकी नेक की शेप में हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे ताकि नेक अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद हम इसके शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से रखते हुए हम शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने शोल्डर इसके ज्वाइन कर लिए हैं। अभी हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई देखिए मेन फैब्रिक की मेन फैब्रिक के साथ सिलाई लगाएंगे और लाइनिंग की लाइनिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए रख लेना है और यहाँ पे जितना भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था कटिंग के टाइम, जैसे कि मैंने 2 इंच लिया था, तो 2 इंच इस तरह से मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क कर लेंगे और नीचे तक इसमें सिलाई लगा लेंगे। ठीक इसी तरह से दूसरी साइड भी इसकी जो एक्स्ट्रा हमने लिया था 2 इंच वो मार्क कर लेंगे। और इसके बाद नीचे तक इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब ठीक इसी तरह से लाइनिंग की सिलाई लाइनिंग के साथ पकड़ते हुए लगाएंगे। तो इस तरह से इसे भी रख लेना है। इसमें भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो लिया था वो मार्क कर लेंगे। उसके बाद नीचे तक इसमें सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्क करेंगे और नीचे तक इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगा ली है फिटिंग की। और इसके बाद इसकी हम स्लीव्स कट करेंगे। तो इसकी स्लीव्स मैं छोटी रखूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग स्लीव अटैच करें। तो ये साइड से निकला हुआ फैब्रिक इसको हम 4 फोल्ड में करके रखेंगे।
अब जितनी आपको लेंथ रखनी है स्लीव की उसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके कट करेंगे, और विड्थ इसकी मैं 9 इंच रखूँगी। आर्म होल से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब जैसे कि मैं इसमें 4 इंच की स्लीव रखूँगी तो उसका उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 5.5 इंच की स्लीव मैं कट करूँगी। यहाँ से बराबर करेंगे और यहाँ पर निशान बना लेंगे। इसके बाद नीचे की साइड देखिए, हम यहाँ पे हम 3 इंच मार्क करेंगे और इसे स्लीव की शेप देंगे। यहाँ स्लीव राउंड मार्क करेंगे, इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हमें स्लीव को कट कर लेना है। स्लीव हमने कट कर ली है। अभी फ्रंट साइड की स्लीव में हम 1/2 इंच की गहराई देंगे, तो इस तरह से खोल के रख लेंगे। दोनों की जो उल्टी वाली साइड है वो अंदर की साइड है, इस तरह से मिला के रख लेना है। और एक साइड देखिए 1/2 इंच इस तरह से मार्क करके कट कर लेंगे। ये फ्रंट साइड की स्लीव है। अभी इसके एजेस को हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे दोनों स्लीव के। इसके बाद यहाँ से देखिए हम नाप लेते हैं इसकी गोलाई आर्म होल की, तो यहाँ से ये 16.5 इंच आ रहा है। अभी जो स्लीव का सेंटर पॉइंट है वो हम मार्क कर लेंगे। यहाँ से सेंटर मार्क कर लिया। अभी जो आर्म होल आई थी वो 16.5 इंच आई थी, उसका 1/2 यहाँ पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे, मैं 6 इंच मार्क कर रही हूँ। अब इस तरह यहाँ इस लाइन पे हमें सिलाई लगा लेनी है। दूसरी स्लीव में भी ठीक यही निशान हम मार्क कर लेंगे और इसी निशान पे हम सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से डबल फोल्ड कर लेंगे। तो स्लीव तैयार है। अभी हम इसे अटैच करेंगे इस तरह से। तो यहाँ से देखिए इस तरफ पकड़ते हुए हम स्लीव और कुर्ती को एक साथ सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे इस तरह से। देखिए बिल्कुल बराबर से आएगी। यहाँ भी हम इसे दूसरी स्लीव को भी मिला के रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो स्लीव मैंने अटैच कर ली है। अभी देखिए बॉटम में हमें इसकी फ्रिल अटैच करनी है। तो फ्रिल की लेंथ हम देख लेते हैं जितनी तैयार चाहिए। यहाँ मुझे 55 इंच की रेडी चाहिए और यहाँ से जो इसकी लेंथ आ रही है वो 21 इंच की आ रही है, यानी 21 इंच की मुझे फ्रिल चाहिए। इसमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके कट करेंगे। तो ये जो फैब्रिक है इसमें से मैंने करीब 2.25 मीटर फैब्रिक अलग निकाल लिया है जो हम दुपट्टे की तरह यूज करेंगे। बाकी का जो बचा फैब्रिक है उसमें हम फ्रिल कट करेंगे। तो कपड़ा जो है विड्थ में डबल फोल्ड है और इसकी जो विड्थ में जो इसकी लेंथ है करीब 22.5 इंच की है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटर से पूरे कपड़े को अलग कर लेंगे जिससे हमारा फ्रिल के लिए कपड़ा निकल जाएगा। कपड़े को विड्थ से मैं कट कर रही हूँ सेंटर से। पूरे कपड़े को मैंने इसी तरह से सेंटर से कट कर लिया है। अभी इसके दोनों किनारे से हम जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने जॉइंट कर लिया है दोनों साइड से ही इसको। और अभी हम इसकी प्लेट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए इसकी घेर हम नाप लेते हैं। यहाँ ये 34 इंच की आ रही है। तो हम एक साइड से ये जो प्लेट्स बनाएंगे वो 34 इंच की बनाएंगे। यहाँ से छोटी छोटी सी प्लेट्स लगा लेनी है और प्लेट्स बनाने के बाद हम पूरी घेर में इसे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये प्लेट्स इसमें अटैच कर ली हैं। नीचे से इसको डबल फोल्ड भी कर लिया है। और अभी जो ये दुपट्टे वाला पार्ट है वो हम इसमें स्टिच करेंगे। तो दोनों किनारे वाले साइड पर मैंने ये गोटा पट्टी लेस स्टिच कर लिया है। अभी देखिए यहाँ ऊपर से
हम यहाँ 14 इंच पे एक निशान लगाएंगे और दूसरा निशान लगाएंगे 17 इंच पे। ऊपर से 14 इंच पे एक निशान लगाएंगे और दूसरा 17 इंच पे एक निशान और लगाएंगे। अब यहाँ तक देखिए, हमें कपड़े को खोल लेना है। जो मेन फैब्रिक वाली हमने सिलाई लगाई है, सिर्फ उसे हम खोलेंगे। यहाँ से 14 से 17 इंच का जो हमने निशान लगाया था, उस कपड़े को हम यहाँ से सिलाई खोल के रखेंगे। यहाँ से देखिए हमने खोल लिया है। और अभी ये पार्ट लेंगे दुपट्टे वाला और एक कॉर्नर इसकी पकड़ेंगे और यहाँ से देखिए ये इसको अंदर डाल देंगे इस तरह से, और अंदर की साइड रखते हुए इस पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे ठीक इसके ऊपर सिलाई मैंने लगा ली है। अब देखिए ये जो दुपट्टा है वो टर्न करेंगे तो उसकी सीधी साइड ऊपर की साइड आ जाएगी। ये ड्रेस हमारी बनके तैयार है। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।